राइट डाउन क्वेश्चन लिखो. पहला क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ ऑफ द ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज शोन इन द फिगर. इन द फिगर देन पहले आप ये फिगर बना लीजिए इस तरह से. दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज शोन इन द फिगर देन फर्स्ट देन देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑफ देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. Select the correct statement. Select the correct statements. First लिखो first statement. A less than zero. Second. D greater than zero. Third लिखो. S is equal to alpha plus beta greater than zero. Fourth, P is equal to alpha beta less than zero. Fifth, minus B by A greater than zero, bracket में B greater than zero. Sixth one, C by A less than zero bracket में c greater than zero and seventh one b and c have the same sign have the same sign and different than a. अच्छा अल्फा बीटा क्या है? ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया. आंसर करो इसको, है ना? बनाओ एक बार. देखो यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो इसके रूट क्या आ जाएंगे? अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा आर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. अल्फा बीटा दो क्या है? रियल और डिस्टिंक्ट रूट है. तो क्या ये सेकंड बिल्कुल ट्रू हो जाएगा?
डी ग्रेटर देन जीरो। और ये देखो यहां पे बीटा अल्फा और बीटा के बारे में, बीटा बीटा की वैल्यू जो पॉजिटिव है, अल्फा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यदि इन दोनों का सम देखा जाए तो सम, ये जो लाइन मिली है, ये जो लाइन होती है ये अल्फा प्लस बीटा बाय टू होती है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, मतलब ये सम ऑफ रूट है, ऐसे शोइंग द सम ऑफ रूट, ये पॉजिटिव, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसमें देखो कि एक रूट नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब सम ऑफ रूट पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट कितना होता है? सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है -b/a। सम ऑफ रूट -b/a ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब ये ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि b ग्रेटर देन जीरो है। इस पे हमें वर्क करना है कि ये कैसे पता चलेगा b ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा c/a ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू c/a है, वो नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, तो सी ग्रेटर देन जीरो है, ये इस पर भी हमें वर्क करना है। ठीक, तो अब यहां पे देखो करेंगे कैसे। इस पॉइंट के बारे में जानते हैं, ये वाला पॉइंट क्या है ये बताओ, ये वाला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि ये क्या कोऑर्डिनेट है? एक्स का कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे देखो 0, 0, यदि एक्स 0 पुट कर दे तो वाई कितना आ जाएगा? सी ना, देखो ये ऐसे, तो ये 0, c है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब है कि सी कैसा हो जाएगा? इसका मतलब है सी ग्रेटर देन 0 आएगा। अब देख लो ध्यान से, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि c/a था वो लेस देन 0 आ रहा था, और यहां पे आपने फिगर में देख रहे हो कि सी ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा सी ग्रेटर देन जीरो है तो ए का साइन कैसा होगा? सी ग्रेटर देन जीरो है तो ए का साइन कैसा होगा? सी ग्रेटर देन जीरो, और c/a नेगेटिव है तो ए का साइन क्या लेस देन जीरो आएगा? ए इज नेगेटिव आएगा, तो मतलब ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है कि क्या ये बात समझ आए, ये पहला स्टेटमेंट। और देखो यहाँ पे c/a नेगेटिव है, लेस देन जीरो है और c ग्रेटर देन जीरो है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाता है। इन द सेम वे सम ऑफ रूट के बारे में बात करते हैं, सम ऑफ रूट इज -b/a ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है फ्रॉम द फिगर यू कैन से, तो -b/a ग्रेटर देन जीरो है और a कैसा आया? नेगेटिव, ए नेगेटिव है और ये माइनस मिलके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव, तो मतलब ये भी ठीक है, मतलब बी ग्रेटर देन जीरो है। अब यहां पे देखो ये सेवेंथ वन, ये क्या कह रहा है? बी एंड सी हैव द सेम साइन एंड डिफरेंट देन ए, तो देखो बी और सी दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव, और ए कैसा है? नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और आपने देखा यहाँ पे कि यदि पैराबोला डाउनवर्ड है तो ए कैसा होता है? नेगेटिव, ये स्टेटमेंट हमने पहले भी लिख चुके हैं हम लोग कि पैराबोला डाउनवर्ड होता है तो ए नेगेटिव होता है, तो ये चीज वहां पे हमने एज ए स्टेटमेंट लिख लिया था कि पैराबोला डाउनवर्ड तो ये नेगेटिव, पैराबोला अपवर्ड तो ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे अभी हमने क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया इस तरह से। क्या ये बात समझ आई? इतना क्वेश्चन समझ आए? राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंडीशन फॉर, फाइंड द कंडीशन फॉर
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इफ, पहला, एटलीस्ट वन रूट इज जीरो, एटलीस्ट वन रूट इज जीरो, सेकेंड, एग्जैक्टली वन रूट इज जीरो, एग्जैक्टली वन रूट इज जीरो, थर्ड, एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी, वन रूट इन्फिनिटी, फोर्थ, बोथ रूट इन्फिनिटी, आंसर करो इसको, सोचो इस पे, वर्क करो और बताओ क्या कंडीशन होंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला जो पार्ट है वो कह रहा है एटलीस्ट वन रूट इज जीरो, तो मैं एक काम करता हूं कि एक्स इक्वल टू जीरो एक रूट होगा और दूसरा क्या रूट होगा, एक्स जीरो हो गया और दूसरा एक्स इज इक्वल टू कोई अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो अल्फा यदि जीरो हो जाता है तो फिर दोनों रूट जीरो हो जाएंगे, अल्फा जीरो नहीं होता है तो एक रूट तो जीरो है ही, तो फिर ये वाली जो सिचुएशन है क्या ये पहला वाला हो गया कि एटलीस्ट वन रूट इज जीरो, तो यदि एक रूट जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो विल सेटिस्फाई दिस, मतलब क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि सी का वैल्यू जीरो आ रहा है, सी का वैल्यू जीरो आ रहा है, सी जीरो आ रहा है तो ए और बी के बारे में क्या होगा, जब सी जीरो है ऑब्वियसली ए बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, ए कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है जीरो सिवाय जीरो के, और बी कैसा होता है, बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर और c इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होगी पहले के लिए, फर्स्ट वर्ब के लिए। अब क्वेश्चन सेकंड के बारे में बात करते हैं, सेकंड वाला क्या बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट इज जीरो, मतलब एक रूट जीरो है x इक्वल टू जीरो है और जो दूसरा रूट है अल्फा, जो x इक्वल टू अल्फा है वो नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट जीरो आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे यदि मैं c जीरो कर देता हूँ, c को यदि मैं जीरो कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, नाउ टेक x कॉमन, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें x इज इक्वल टू एक तो जीरो रूट आ गया और x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो यहां पे देखो कि यदि इसका एक ही रूट ये जीरो होना है ये जीरो नहीं होना है, तो इसका मतलब है कि b को नॉन जीरो होना चाहिए, b को नॉन जीरो है और a को भी नॉन जीरो होना पड़ेगा, मतलब a तो नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इतनी बात समझ आई, b को नॉन जीरो, a को नॉन जीरो और c को जीरो होना पड़ेगा, c को तो जीरो होना ही होना है, तो ये कंडीशन हो जाएगी दूसरे के लिए। अब ये देखो ये तीसरी सिचुएशन है, एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी, बोथ रूट इन्फिनिटी की बात करें, तो मैं एक काम करता हूं कि लेट तीसरा सिचुएशन जो है, थर्ड वन, लेट x इज इक्वल टू वन बाई टी पुट कर देता हूं इसमें, तो ऐसा करने से क्या होगा कि a बाई टी स्क्वायर प्लस बी बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा,
यही इक्वेशन बन जाएगी सी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए इक्वल टू जीरो। सी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए इक्वल टू जीरो, ये सिचुएशन है। अब ये देखो, ये थर्ड वाली सिचुएशन की एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी, तो बताओ वन अपॉन इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा। देखो जैसे मैं कहूं कि एक्स जो टी इज इक्वल टू है वन अपॉन एक्स है, तो यदि मैं कहूं कि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो वन अपॉन एक्स किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ। यदि एक्स इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा तो टी किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ। तो ये जो पहले ही इक्वेशन था वो एक्स में था, एक्स में था, ये इन्फिनाइट रूट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन यदि अब हमने टी में कन्वर्ट कर दिया तो यही क्या हो गया बताओ, कि इस तरह की कंडीशन बताओ कि एग्जैक्टली वन रूट जीरो हो, एग्जैक्टली वन रूट जीरो हो। तो अब देखो यहां पे जैसे इसमें सेकेंड वाले सिचुएशन में एग्जैक्टली वन रूट जीरो की कंडीशन क्या थी सेकेंड वाले में, कि सी जीरो होना चाहिए बी और ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली वन रूट जीरो के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो सी जीरो होना चाहिए। सी का मतलब, अब इसमें सी का काम कौन कर रहा है, ए, मतलब ए को जीरो होना चाहिए। और यदि ए जीरो हो गया तो बी और ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी और ए का मतलब है सी और बी, मतलब बी नॉट इक्वल टू जीरो और सी नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसी सिचुएशन हो गई। ये एक थर्ड वाले का आंसर हो गया, एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी। अच्छा बोथ रूट इन्फिनिटी वो एक्स में था, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा टी के फॉर्मेट में, कि बोथ रूट कितना, बोथ रूट जीरो, दोनों रूट जीरो हो इस बात की क्या कंडीशन, दोनों रूट जीरो हो। तो अब देखो यहां पे दोनों रूट जीरो होना है, मतलब जीरो कैसा हो जाएगा, रिपीटेड रूट आ जाएगा, जीरो इज अ रिपीटेड रूट। तो यहां पे देखो जो सी फोर्थ वन, सी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए इक्वल टू जीरो, ऐसा। और बोथ रूट जीरो है, बोथ रूट जीरो, जीरो, इसका मतलब है कि देखो ये और ये जीरो हो जाना चाहिए, तभी तो ये ऐसा फॉर्मेट आएगा सी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तभी तो इसमें रूट्स जो टी के रूट्स आएंगे वो टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू जीरो, रिपीटेड रूट का केस बनेगा। तो ऐसे में क्या होगा भाई, बी को भी जीरो होना पड़ेगा, ए को भी जीरो होना पड़ेगा, बट जो सी है सी शुड नॉट टू बी इक्वल टू जीरो। क्या ये बात समझ आई, सबको समझा क्या, शार्प, अवनी, अंशुमान, आद्या, समझा नहीं क्या बच्चा, हाँ? कोई डाउट इसमें सर। नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, कुछ क्वाड्रेटिक्स हैं बाय द वे, उनको सर सॉल्व। एक ही मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, वो लिखना है। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, राइट आउट, नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन।